हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको जियो का 6 ऐसे सीक्रेट कोड के बारे में पता चलेगा जो कि काफी माइंड ब्लोइंग है। और दोस्तों, अभी तक 99.9% लोग इस कोड के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाऊंगा, पूरा बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उस सीक्रेट कोड को आप अच्छी तरह से यूज कर पाए। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो होने वाला है, तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को, आपके काम का है, आपके नॉलेज के लिए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्त आप इन सभी सीक्रेट कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्त, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए। ओके, साथ में अपने भाई को फॉलो भी कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन सभी इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड के बारे में। दरअसल दोस्तों, इसका काम क्या है पहले आप ये जान लीजिए। जैसे कि होता है क्या है कि अगर आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल करता है तो आप बिजी नहीं रहते हैं फिर भी उसको बिजी बताता है, या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है फिर भी उसको स्विच ऑफ बताता है, कवरेज एरिया से बाहर बताता है, नेटवर्क क्षेत्र एरिया से बाहर बताने लगता है। तो ऐसे में ये सब कुछ जो है आपका फ़ोन का, आपका जो जियो का सिम है उसमें प्रॉब्लम है। तो इन सभी कोड को डालकर आप उन सब चीज़ को जो फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप इस कोड से कर पाएंगे, जैसे कि अगर आपका फ़ोन कोई चुपे चोरी लेकर और आपका जो नंबर है वो किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया आपसे छुप कर, तो उस चीज़ को भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो नंबर है वो कहीं दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड है तो आप उसे भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सीक्रेट कोड के लिए आपको अपना डायलर पैड ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना है 402। ओके, 402 डालकर और यहाँ पर कॉल कर देना है। के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो यहाँ पर अनकंडीशनल जो फोन फॉरवर्ड है वो जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब कि अगर हमारा जो नंबर है वो किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड है, किसी ने चुपे चोरी हमारा नंबर फॉरवर्ड कर लिया तो वो डीएक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब चलिए हम सेकेंड सीक्रेट कोड के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 404 आपको डालना है, 404 उसके बाद यहाँ पर कॉल कर देना है। पर अनुकरित कॉल के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्डिंग फॉर अनआंसर्ड कॉल्स हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो यहाँ पर अंतरिक्त कॉल के लिए जो है वो भी फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब कि फॉरवर्ड हुआ था तो वो भी मतलब डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब कि कभी कभी कॉल नहीं लगता है, बताने लगता है, अनरिचेबल बताने लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ फिक्स हो चुका है। ओके, अब चलिए थर्ड सीक्रेट कोड के बारे में हम जानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डालना है 406, यहाँ पर कॉल कर देंगे। होने पर आपके नंबर के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन यू आर बिजी हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो ये जो रहा हमारा जो कॉल बिजी बताने लगता है, जैसे कि अगर हम कहीं पर बात नहीं कर रहे हैं फिर भी अगला को बिजी बता रहा है कि हम कहीं पर बिजी हैं, कहीं बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ जो है डीएक्टिवेट हो चुका है, फिक्स हो चुका है, मतलब अब कभी भी आपका जो नंबर है वो कभी भी बिजी नहीं बताएगा। अगर आप किसी से कॉल पर बात करेंगे तभी बिजी बताएगा, ऐसे में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी भी किसी को बिजी नहीं बताएगा। तो ये भी आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कभी भी इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब चलिए हम जानते हैं फोर्थ सीक्रेट कोड के बारे में, 410 डालकर और यहाँ पर कॉल कर देना है। आपकी पहुँच से बाहर होने या बंद होने पर आपके नंबर के लिए कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन योर नंबर इज अनरीचेबल और स्विच्ड ऑफ हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो यहाँ पर ये भी चीज़ डीएक्टिवेट हो चुका है, अनरीचेबल बताने लगता है, कभी कभी स्विच ऑफ बताने लगता है, मतलब हम कहीं मतलब सही जब अपने घर पे भी रहते हैं, नेटवर्क अच्छी तरह से रहता है, फिर भी जो है वो अनरीचेबल बताने लगता है, नेटवर्क क्षेत्र एरिया से बाहर बताने लगता है, या फिर हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं किया है फिर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। तो ये चीज़ जो है फिक्स हो चुका है, मतलब डीएक्टिवेट हो चुका है, कभी भी इसका प्रॉब्लम आपके नंबर पर नहीं आएगा। ओके, कोई भी कॉल करेगा कभी भी बेझिझक जो लग जाएगा। ओके, अब चलिए हम जानते हैं लास्ट एंड फिफ्थ सीक्रेट कोड के बारे में, और ये जो सीक्रेट कोड है ये है सभी का बाप। जी हाँ,
ये जितना भी आपने डाला है अभी जो सीक्रेट कोड मैंने यहाँ पर बताया है, उन सभी का एक कोड है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इतना सारा कोड हम नहीं डालें, सिर्फ एक कोड को डालकर और सब चीज़ को डीएक्टिवेट कर लें, तो यहाँ पर आपको डालना है *413 डालकर और आपको कॉल कर देना है। ओके, कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है, कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। ओके, यानी कि जितना भी सारा हमारा कॉल फॉरवर्डिंग हुआ था, जितना भी प्रॉब्लम था, वो सब कुछ जो है डीएक्टिवेट हो चुका है। मतलब सभी को नहीं डालें, सिर्फ एक कोड को डाल देंगे तो आपका सब कुछ जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब इतना कर लेने के बाद आपको आना है सिंपली माई जियो ऐप में। ओके, यहाँ पर माई जियो ऐप आपको ओपन कर लेना है। माई जियो ऐप ओपन करने के बाद 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना है, साइड में कॉर्नर पे रहता है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है, लास्ट सेकेंड नंबर पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर आपको आना है। ओके, सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर डिवाइस सेटिंग कैटेगरी में आपको मिलेगा माई डिवाइस यहाँ पर, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके जियो ऐप में कोई और नंबर तो रजिस्टर्ड नहीं है, आपका कोई ताक झाक तो नहीं कर रहा है, आपसे छुपे चोरी आपके फ़ोन पर ध्यान तो नहीं दे रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई और नंबर रजिस्टर रहेगा तो सिंपली आपको उसे रिमूव कर देना होगा, नहीं तो आप सेफ नहीं रहेंगे, आपका कोई भी फ़ोन मतलब कि देख तक सकता है, ताक झाक कर सकता है। अगर कोई भी मतलब यहाँ पर रजिस्टर बताएगा कोई दूसरा नंबर तो आपको उसे रिमूव कर देना है। ओके, सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, लोकेशन लोकेट माई फ़ोन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका लोकेशन कोई देख तो नहीं रहा, यानी कि आपके चुप्पे चोरी कोई मतलब कि पहले आपका लोकेशन शेयर कर लिया होगा और वो मतलब कि लोकेशन आपका देखता होगा, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका जो लोकेशन है वो कोई और तो नहीं देख रहा है। तो अगर यहाँ पर किसी का भी नाम बताता है, किसी का भी मोबाइल नंबर बताता है, तो सिंपली आपको उसे रिमूव कर देना होगा। रिमूव नहीं करेंगे तो वो आपका लोकेशन जो है वो हमेशा देखते रहेगा, जहाँ जहाँ जाएंगे सब कुछ आपका देखते रहेगा। ओके, तो यहाँ से आपको उसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और इतना सारा जो सीक्रेट कोड था, इतना मैंने जो बताया, उस कोड को डालकर और बिल्कुल आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे, कभी भी जियो नंबर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यही था 5 से 6 जो कि मैंने आपको बता दिया ट्रिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही कमाल का लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए, एक भी आपको ट्रिक अच्छा लगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।